का मेरे YouTube चैनल MKS टीचिंग ओशिन में स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है एसिड रेन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अम्लीय वर्षा। ये जो अम्लीय वर्षा क्या है, बहुत खतरनाक होती है। ये क्या है, दो टाइप की होती है। एक होती है वेट डिपोजिशन। ये जो वेट डिपोजिशन है, इसके अंदर क्या आते हैं हमारे पास, रेन, फोग, सनो। ये हमारी वर्षा है, ये हमारा कोरा हो गया, और ये क्या होगा हमारा सनो। ये क्या करते हैं, हमारी अम्लीय वर्षा को क्या है, गीले कर देते, इसलिए क्या हो गया वेट डिपोजिशन। अब दूसरे क्या आता है हमारे पास, ड्राई डिपोजिशन, जिसे आप बोल सकते हैं शुष्क। ड्राई डिपोजिशन में क्या आता है आपका, एक तो आता है गैसेस, जितनी भी हमारे गैसेस हैं वे, और दूसरा क्या हो गया डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल ये क्या हो गया हमारे ड्राई डिपोजिशन। हमने बोला था कि हमारे पास जो एसिड रेन है, वो एसिड रेन दो टाइप की होती है। एक कौन सी होगी, वेट डिपोजिशन। वेट डिपोजिशन में क्या हो गया, रेन हो गया, फोग हो गया, सनो हो गया। दूसरा क्या है, ड्राई डिपोजिशन, जिसके अंदर हमारे क्या है, गैसेस आते हैं, डस्ट पार्टिकल आते हैं। अब देखो जो हमारे पास एसिड रेन है, ये क्या करती है, हमारी बहुत सारी चीजों को प्रभावित करती है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो एसिड रेन है, उसको बनाने वाले जो सब्सटेंस है वो क्या क्या है। अब हमने देखा सबसे पहले हमारे पास है नाइट्रोजन। ये जो नाइट्रोजन क्या है, जितने भी हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह हैं, यानी कि वाहन है, बसें हैं, कारें हैं, स्कूटर हैं, उनसे क्या है इसको प्रोवाइड होती है। और फिर क्या है, इसके अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हैं तो ये क्या करती है, 2NO, इसमें क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर बदल जाती है। ये क्या, किसका वेस्टेज हो गया, ये हमारे जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं, जितने भी वाहन हैं, उनका वेस्टेज हो गया। और जैसे ही इसने क्या कर दिया, हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करने के बाद इसने क्या है नाइट्रोजन ऑक्साइड बना दिया। अब ये दोबारा जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है हमारे ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्शंस करता है, तो ये क्या बना देता है हमारा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये क्या है, नाइट्रोजन जो डाइऑक्साइड बना लेता है, ये हमारी एसिड रेन के क्या है मूल पार्ट होते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, बाद में ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, जो बारिश के रूप में, यानी कि जो बारिश आती है वो क्या है, बारिश के रूप में क्या, जो वाटर होता है पानी, उसके साथ रिएक्शंस करती है, तो ये क्या करती है HNO3 और HNO2 क्या है, हाइड्रोजन नाइट्रेट और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है। अब सबसे जो मेन पार्ट है वो हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रेट। अब ये जो हाइड्रोजन नाइट्रेट है, ये क्या है पानी के साथ रिएक्शंस करके अम्लीय वर्षा के रूप में क्या है हमारी अर्थ के ऊपर आती है। ये क्या बहुत सारे पार्टों को इफेक्टेड करती है। उसके साथ साथ क्या है हमारे पास आता है सल्फर। सल्फर, ये जो सल्फर क्या है, क्योंकि हमारे पास पहला पार्ट क्या हो गया HNO3 और इसके बनाने वाला क्या है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, उसी प्रकार क्या है हमारे पास सल्फर है। सल्फर क्या करता है, जैसे ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करता है तो ये क्या है सल्फर ऑक्साइड को बना देता है। ये जो सल्फर ऑक्साइड, ये सल्फर हमें मिला कहां से, जितनी भी जो हमारी फैक्ट्री वगैरह हैं, उनके अंदर कोई भी पदार्थ जलाते, कोई भी फ्यूल जलाते हैं, उनसे क्या है हमें सल्फर मिलता है। ये जो सल्फर क्या है, ये जो सल्फर ऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन के साथ दोबारा रिएक्शंस करती है, तो ये हमें क्या है सल्फर ट्राइऑक्साइड प्रदान करती है। ये जो सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जैसे ही बारिश की बूंदें आती हैं, यानी कि बारिश के पानी के साथ रिएक्शंस करता है, ये पानी के साथ रिएक्शंस करता है कौन से, रेन के पानी के साथ। अब ये क्या बना देगा H2SO4, जिसे हम क्या है सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं या हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं। ये जो हाइड्रोजन सल्फेट है, ये क्या करता है हमारे जो अम्लीय वर्षा को पैदा करने वाला
मुख्य कारक होता है। अब आपको पता होगा ये H2SO4 किसमें भी पाया जाता है, जो इन्वर्टर बैटरी होती है उसके अंदर क्या H2SO4 पाया जाता है, और इसे क्या है हम लोग का राजा बोलते हैं। ये क्या सबसे शक्तिशाली होता है, ये अगर बॉडी के ऊपर गिर जाता है कि बॉडी के सारे पार्टों को जला देता है। ये क्या है तेजाब की फोम होती है। अब ये इतने तेजाब की फोम होती है अगर अर्थ के ऊपर गिरती है तो ये बहुत सारी चीजों को इफेक्टेड करती है। अब ये किन किन चीजों को इफेक्टेड करती है आओ हम आपको डिटेल से बता। अब है हमारे पास हमारे दो मेन सब्सटेंस कौन कौन से हो गए, H2SO4 हो गया और क्या हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट हो गया। अब ये क्या है अम्लीय वर्षा के रूप में क्या है पृथ्वी के ऊपर आ जाते हैं, जैसे जैसे जिस जिस पार्ट के ऊपर गिरते हैं उन उनको प्रभावित करते हैं। अब सबसे पहले क्या है ये सोयल के ऊपर गिरते हैं, जो हमारी मृदा होती है मिट्टी होती है उसके ऊपर गिरते हैं तो वो क्या करते हैं, अब क्या सोयल के ऊपर व्हेन इट विल फॉल ऑन सोयल दे विल डिक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोयल। मतलब जैसे ही ये मिट्टी के ऊपर गिरते हैं तो मिट्टी के जो उपजाऊ शक्ति है उसको नष्ट कर देते हैं। मिट्टी को क्या है जैसे उसके अंदर पौधा उगने की जो क्षमता होती है उसको बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। भूमि कैसी होगी बंजर होगी, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं उग पाता जैसे ही अम्लीय वर्षा उसके ऊपर गिरती है। और पीएच स्केल की फॉर्म में भी देखें तो हमने पीएच स्केल के हिसाब से भी क्या बोला है कि जो एसिड रेन है उसकी रेंज क्या दिखाई गई पीएच स्केल में, भाई आपके 5.6 से क्या है नीचे नीचे है। जितना नीचे जाता जाएंगे उतना ही क्या आपकी जो एसिड रेन है उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। अब देखो इसलिए तो क्या है जो एसिड रेन है जैसे ही सोयल के ऊपर गिरी इसने क्या है जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति को बिल्कुल नष्ट कर दिया, उसे क्या अनफर्टाइल बना दिया। मतलब उसके अंदर जो आप बीज डालोगे ये क्या पौधे को पैदा करने की जो क्षमता है वो बिल्कुल नष्ट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट है हमारे पास क्या है जैसे व्हाइट मार्बल, जैसे आप क्या है व्हाइट मार्बल, जैसे आप क्या है संगमरमर कहते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है CaCO3 मींस क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही जो अम्लीय वर्षा है यह अपने व्हाइट मार्बल संगमरमर के ऊपर गिरती है, जैसे आप ताजमहल ले लीजिए, अब उस ताजमहल के ऊपर गिरती है, ताजमहल किससे बना है संगमरमर से बना है व्हाइट मार्बल से बना है, जब उसके ऊपर गिरती है तो उसके रंग को क्या कर देती है येलो येलो कर देती है, मतलब उसकी ब्यूटी को क्या है नष्ट कर देती है। मतलब व्हेन द एसिड रेन फॉल ऑन व्हाइट मार्बल then it will decrease the beauty of white marble and also become yellow in color। मतलब जैसे ही सफेद संगमरमर के ऊपर गिरती है तो उसके रंग में क्या है परिवर्तन कर देती है, वो बिल्कुल जो सफेद था उसको क्या है पीला बना देती है, उसकी सुंदरता को क्या है बिल्कुल नष्ट कर देती है। उसका एग्जाम्पल क्या हो गया जैसे आपने क्या होता है मेरे पास व्हाइट मार्बल CaO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट ये क्या है H2SO4, ये क्या होगा आपकी एसिड रेन की फॉर्म होगी, और ये क्या होगा आपका व्हाइट मार्बल है जो बिल्कुल सफेद है। जैसे ही एसिड रेन उसके ऊपर गिरती है तो उसे किस पार्ट में बांट देती है हो गया कैल्शियम सल्फेट। दूसरा क्या बना देती है
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और फिर क्या है वाटर को बाहर निकाल देती है। अब इसने क्या कर दिया, जैसे आप बोर्ड के ऊपर लिखते हो जो चौक है उसका जो डस्ट नीचे की तरफ गिरता है, तो ये क्या डस्ट के रूप में जो व्हाइट मार्बल है उसको बिल्कुल नष्ट करती देती है, उसको खत्म करती रहती है। इसलिए जो एसिड रेन है बहुत बहुत डेंजरस होती है। तो इसने क्या कर दिया, जैसे ही जो आपका व्हाइट मार्बल है सफेद संगमरमर है उसके ऊपर गिरते ही उसके रंग में परिवर्तन कर दिया, उसको बिल्कुल पीला बना दिया। और हमने क्या एक रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी इसको दर्शाया है कि मेरे पास क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या है व्हाइट मार्बल है, और ये क्या H2SO4 जिसे क्या है सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, ये क्या होता है सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। ये जो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है ये किसके है तेजाब की फॉर्म है, जैसे इसके ऊपर इफेक्ट करता है तो ये क्या कैल्शियम सल्फेट बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और क्या है वाटर को बाहर निकाल देता है, जिससे आपका जो व्हाइट मार्बल है उसकी जो सुंदरता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। अब हमारे पास एक और स्टेज आती है, जैसे ही आपकी जो एसिड रेन है, आपकी एसिड रेन क्या है जो पानी के ऊपर गिरती है, तो पानी के ऊपर क्या इफेक्ट डालती है, अब उसे देखिए जरा। अब क्या है वाटर, यह आपका पार्ट नंबर थ्री। अब जैसे ही एसिड रेन क्या है वाटर के ऊपर गिरती है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव डालती है, वाटर को क्या कर देती है उसके अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मतलब जहरीले पदार्थों की जो मात्रा है वो बढ़ा देती है। अब क्या है व्हेन द एसिड रेन फॉल इन वाटर देन मेक टॉक्सिक एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये क्या करती है, जैसे ही अम्लीय वर्षा क्या है पानी के ऊपर गिरती है, पानी के अंदर गिरती है, तो वो क्या कर देती है पानी को क्या है टॉक्सिक जहरीला बना देती है, दूसरा क्या है उसके अंदर जो ऑक्सीजन के स्तर को कम कर देती है। अब ये ऑक्सीजन का स्तर कम हो गया और वो क्या जहरीला पदार्थ बन गया, तो क्या प्रभाव डालता है जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, मतलब क्या जो जलीय जीव हैं, खासकर लगा लीजिए जो मछली है, वो क्या करती है पानी के अंदर घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण करती है। हम तो एटमॉस्फेयर से बड़ी आसानी से सांस ले लेते हैं, ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं, परंतु जो एक्वेटिक एनिमल है उनको पानी में घुली हुई ऑक्सीजन है उसको प्राप्त करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। और हमें बार बार दिखाई देता है कि जो मछली क्या पानी में रहते हुए क्या है बार बार पानी पीती रहती, बार बार पानी पीती रहती, पर एग्जैक्ट में होता क्या है उनके गिल्स गिलफड़े होते हैं, वो क्या करते हैं पानी को बार बार दबाती बार बार दबाती, इससे क्या होता है पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ग्रहण कर सके, इसलिए वो पानी को बार बार दबाती है। अब ये क्या है पानी के अंदर जो टॉक्सिक सब्सटेंस है मतलब जहरीले पदार्थों की जो मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो उसमें दूसरी क्या है उसको जीवित रहने के लिए किसकी आवश्यकता है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का स्तर भी कम हो जाएगा तो क्या होगा तो एक्वेटिक एनिमल्स क्या है उनको न तो ऑक्सीजन पूरी मिल पाएगी, दूसरा क्या है उसके शरीर के अंदर क्या जहरीले पदार्थ चले जाएंगे जिससे उनकी मृत्यु। इस प्रकार क्या है जो एसिड रेन क्या है बहुत बहुत खतरनाक होती है। और जो पीएच स्केल में भी इसकी वैल्यू दिखाई थी 5.6 से अगर जितना नीचे जाएगी, यानी कि अम्लीय वर्षा कहां से शुरू होती है 5.5 से शुरू होती है, अब इससे जितना नीचे जाती जाएगी उतनी क्या है जहरीली होती जाएगी। और हमने क्या बोला था ड्राई डिकम्पोजिशन में बोला था और वेट डिकम्पोजिशन में भी बोला था, ड्राई में कौन सी होगी आपका क्या हो गया जितने भी गैसेस हैं या डस्ट पार्टिकल हैं, फिर मैंने क्या बोला था वेट में क्या होगा आपकी रेन हो गई, फोग हो गया, स्नो हो गया। फिर हमने और दूसरा क्या बोला था जो एसिड रेन है, हमारे एसिड रेन क्या करते तीन चीजों के ऊपर इफेक्ट डालती है, एक तो क्या हो गया जो हमारा सोयल होगी मिट्टी होगी उसके ऊपर प्रभाव डालती है, उसकी जो फर्टिलिटी है उसको डिक्रीज कर देती है जिससे मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है, जो भी हम उसके अंदर बीज डालेंगे वो बीज उगने की क्षमता बिल्कुल नष्ट हो जाएगी।
दूसरा इफेक्ट क्या था हमारा, दूसरा हमने बोल दिया कि जो व्हाइट मार्बल है उसके ऊपर गिरती है तो एसिड रेन के कारण क्या होता है, उसका रंग एक तो सब पीला हो जाता है, दूसरा क्या होता है उसकी जो सुंदरता वो बिल्कुल नष्ट हो जाती है। फिर तीसरा क्या बोला था हमने, जैसे ही जो एसिड रेन है पानी के अंदर गिरती है तो पानी की जो पानी के अंदर जो एक तो टॉक्सिक सबस्टांस का निर्माण कर देती है, मीन्स जहरीले पदार्थ का निर्माण कर देती है, दूसरा क्या जो ऑक्सीजन है उसके स्तर को घटा देती है। जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं, जितने भी जलीय जीव हैं, जब उसे पानी को ग्रहण करते हैं तो उनके क्या है ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है। दूसरा क्या है, जो जहरीला पदार्थ उनके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए जो एसिड रेन है वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। आज का टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।